अध्यक्ष राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, मैं इनसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था। ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी वालों हल्ला कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री ने की थी तो मैंने रेप इन इंडिया कहा है। राहुल गांधी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट को जला दिया है। बवाल, बेरोजगारी और मंदी से ध्यान भटकाने के लिए हमारे बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन मैं इनसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था। मैंने इतना कहा था कि प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जहां देखो रेप इन इंडिया बन चुका है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, मोदी को माफी मांगनी चाहिए पूर्वोत्तर को जलाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए, इस भाषण के लिए जिसकी एक क्लिप मैं शेयर कर रहा हूँ। आज पूरे देश में हिंसा हो रही है, पूर्वोत्तर में हिंसा हो रही है, कश्मीर के हिंसा हो रही है। राहुल गांधी ने कहा, उनवास में बीजेपी विधायक ने रेप किया, लड़की की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अर्थव्यवस्था थी। रघुराजन जी मुझसे मिले थे, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की अमेरिका और यूरोप में कोई बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी के बयान पर आज लोकसभा में हंगामा हुआ। स्मृति ईरानी, लॉकेट चटर्जी समेत कई महिला सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल का बयान अपमानजनक है। बीजेपी सांसदों के हंगामे के कारण स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इसके साथ ही यह सत्र खत्म हो गया।